देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त हनी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्षेत्र के अंदर बढ़ जाती है कि अगर बात करें विधायक और निगम पार्षद की तो वोट तो वो ले जाते हैं जनता के आगे हाथ जोड़ के, लेकिन जब आए उनकी समस्याओं की बात तो उनके आंखों पे कुछ भी नहीं दिखता और उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बसंत विहार डी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है क्योंकि आरडब्ल्यूए यहाँ की इतनी बार अर्जी लगा चुकी है, यहाँ पर इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं। लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ पे गंदे पानी की समस्या, सीवर की समस्या और भी बहुत सारे रोडों की समस्या, ट्रांसफार्मर ऐसी जगह लगा रखा है जहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को खेलने में परेशानी होती है। न जाने यहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ की वर्तमान विधायक या पार्षद कौन इसका जवाब देगा। लगातार सीएम केजरीवाल जी को भी इनके द्वारा अर्जी लगा चुकी है, यहाँ के विधायक के द्वारा उनको मेल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आती है, वही मैसेज आता है जो कंप्यूटराइज मैसेज होता है जिसका कोई लेना देना नहीं है। आरडब्ल्यूए एसोसिएशन यहाँ की इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने यहाँ पर इतने लोगों को एकत्रित किया और हमारे चैनल को बुलाया ताकि ये बात सीएम केजरीवाल जी के दफ्तर तक पहुँच सके, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर तक पहुँच सके, क्योंकि इनकी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राजनीति और आरोप प्रति आरोप लगातार चलते रहेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो फिर वही नेता इन लोगों के बीच में हाथ जोड़ के आएंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन इस बार यहाँ की आरडब्ल्यूए उन लोगों को सबक सिखा के रहेगी, क्योंकि जब इनकी सुख दुख में, इनकी जरूरत में कोई काम नहीं आ रहा तो वोट किस बात का। ये बात का जवाब इस न्यूज के माध्यम से यहाँ की विधायक को देना पड़ेगा कि इनका अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। लगातार 6 महीने के ये जो आप लेटर्स रिपोर्ट देख रहे हैं इस वीडियो पे जो चल रही है वो इसी बात का पैगाम है और प्रूफ है कि लगातार यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका के अंदर जितनी भी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और समाधान उसका क्यों नहीं हो रहा, इनके बार बार अर्जी लगाने के बावजूद भी क्यों नेता, निगम पार्षद, विधायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े वादे करते हैं क्यों यहाँ पे चुप है, ये बात का जवाब उनको देना पड़ेगा इस न्यूज के माध्यम से। बहुत समस्या है, वसंत विहार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए हमारी टीम आज यहाँ पहुंची है इन लोगों की समस्या ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। मेरा नाम देव जी है और ये डीडीए जनता प्लस डी ब्लॉक वसंत विहार, हमारी आरडब्ल्यू की टीम आप सबका स्वागत करती है। आज किस विषय पे आपने प्रेस वालों को याद किया है, प्रेस वार्ता रखी है? आज जो आप लोगों को बुलाने का हमारा जो मकसद है कि हमारी कॉलोनी की जो समस्याएं हैं, कई सालों की समस्याएं हैं, जो सुलगती समस्या जिनको बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगभग 30-40 साल से हमारे समस्याएं हैं। सारे पॉलिटिशियंस या जो लोग भी आते हैं समस्याओं को देख के चले जाते हैं, परंतु आज तक कोई ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं हुआ है जिनका हम आप लोगों के जरिए उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण हो, और हमने जहां पे भी एप्लीकेशंस दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनको भी हमने रिटर्न में एप्लीकेशंस दे रखी है, लेकिन आज तक ऑन ग्राउंड कुछ भी हमें दिखा नहीं है। समस्याएँ क्या क्या हैं जो सरकार भी नहीं सुलझा पा रही? अभी तक की जो समस्याएं हैं जो सुलझा नहीं पा रही हैं वो जैसे कि वहाँ पे क्लस्टर का पानी और वो इधर मस्जिद का पानी, क्लस्टर का पानी जो वहाँ पे जमा होके कई सालों का हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, तो वो आज लगभग बहुत सालों से पेंडिंग है। सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, परंतु आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सफाई व्यवस्था जो रोज़ाना डे टू डे सफाई वगैरह होती है वो हो जाती है, परंतु जो हाई लेवल पे जो समस्याएं को निराकरण कराना है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सीरियसली ये समस्याएं लगभग 40 साल से ये कॉलोनी बनी हुई है और इस समस्याओं का अब अभी तक जो निराकरण होना चाहिए वो हुआ नहीं है। कागज़ों के जरिए आप देख सकते हो हमारे सारे रेजिडेंट्स की इस पर साइन वगैरह हमने करा रखी हैं, और हमने हर लेवल पर हमारे लोकल नेताओं से लेकर सरकारी दफ्तरों तक पूरी समस्याओं को पिक्चर और साइन के साथ सबकी दे रखी है। हर ऑफिस की हम मुलाकात ले रहे हैं और हर जो भी हमारा लोकल लीडर्स हैं उनको उनके पीछे लगे हुए हैं, परंतु हम उम्मीद जरूर करते हैं कि आज नहीं तो कल वो समाधान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे चाह है वहाँ राह मिल जाती है, और हम बिल्कुल एकदम डटे हुए हैं कि भाई हमारा समाधान, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जैसे कि हर कोई एक वादा करता है लेकिन वो सिर्फ एक मौखिक वादा होता है, परंतु ऑन ग्राउंड आपको कोई कुछ भी ऐसा रियलिटी में दिखता नहीं है कि आपका काम होता नजर आता है। कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, कोई कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है, परंतु उस वजह से ये कार्य
जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से होता नहीं। देखिए सबसे पहले जो हमारी मांग है वो तो वो सीवर का पानी का हमने बताया जैसे आपको, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे गेट पे हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो बच्चों को खेलने का पार्क है और ऊपर से हाई वोल्टेज की तारें जा रही है, एकदम हाई रिस्क जोन है। और पानी आ गया फिर बारिश के समय यहाँ पे पूरे घरों में नीचे में पानी आ जाता है और घरों की नींव एकदम कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारा एंट्री एग्जिट का एक ही प्रवेश द्वार है और सीवर की जो लाइनें हैं वो 40 साल से बदली नहीं गई है, तो उसकी वजह से बारिश के समय में पानी, सीवर का पानी, बारिश का पानी सबके घरों में चला जाता है और घरों की नींव कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से सीपेज आ गई। जो अंकल ने बताया कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, और जो पानी पीछे भरा हुआ है जोर का वो भी काफ़ी उससे सीलन आ गई है सारे घरों में, और जैसे सीवर लाइन भी बहुत पुरानी हो गई है तो उससे भी सब घरों में पानी आ जाता है जब बारिश होती है थोड़ी भी। तो कोई नहीं सुन रहा विधायक, नहीं सुन रहा, आप लोगों ने शिकायत करी है? हाँ जी, हमने सब जगह। हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या है? जी मैं तहरा खान, हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है वो पीछे एक तो पानी जो बताया अभी सब ने वही सेम प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से सब घरों में नीचे वालों में सीलन है, और इतनी सीलन है कि छतों तक पहुँची हुई है, फर्स्ट फ्लोर तक जाती है। हमारे सीवर जो टॉयलेट की सीट से वहाँ से टॉयलेट्स के अंदर से बहुत बदबू आती है, अगर आप सुबह के टाइम में उठ के देखें तो पूरे घर में महक आ रही होती है। मेन ये हमारा है ट्रांसफार्मर जो रिस्की है बच्चों की वजह से, छोटे बच्चे खेलते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं है, बॉल जाती है तो वहाँ तक घुस जाते हैं, यही है। जी पीने का पानी का क्या हाल है? पीने के पानी तो कोई वो नहीं है इतना, पीने के पानी का हमारे सुबह 7 से 9 आता है पानी, बट उसके बाद भी हमारे पास पानी की समस्या रहती है। ये हमारे लिए बोरिंग का पानी बस हम उसी से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा कारपोरेशन के पानी की हमारी कोई संभव नहीं है। आते सब हैं लेकिन सुन के चले जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का कोई समाधान कोई भी करने को तैयार नहीं होता। भाई साहब समाधान क्या है इसका? ये जो अगर ये बात नेता हो तक पहुँचती है तो किस तरीके से क्या चाहते हो? पाइपलाइन डली जाए, क्या होना चाहिए? जैसे हमने आपको बताया कि हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दे रखी है, 25 मुद्दे हैं जो हमने हर जगह पे दे रखा है, तो वो हम चाहते हैं कि जो भी बेसिक एमिनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो छोटी सी कॉलोनी है तो वो एकदम हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हम अच्छा या बुराई करना नहीं चाहते, बस हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारे जो मुद्दे हैं हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। समस्याएं तो हल सीएम ही करेंगे ना, वो आपको पार्टी पक्ष से नहीं लेना देना, पर आपको तो सीएम को आपने अर्जी की है। बिल्कुल, हमने श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब है उनको भी हमने हर ईमेल हर लेटर उनको भी मार्क किया हुआ है, हमारी लोकल एमएलए मैडम परमिला टोकस जी हैं उनके थ्रू और बाकी जितने भी हमारे लोकल नेता हैं उनके जरिए हमने उन तक बात पहुंचाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सुनवाई करेंगे और हमारी जो भी समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान होगा। कब दिया था आपने लेटर? ये अभी करीबन आप समझ लीजिए कि पिछले 6 महीने से हम लगातार उनके संपर्क में हैं ईमेल और डिजिटल मीडिया के जरिए। उधर से क्या फीडबैक आ रहा है आपको? फीडबैक कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द कंसर्न अथॉरिटी एंड इट विल द नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। ग्राउंड लेवल पे कोई आए उनके ऑफिसर वगैरह चेक करने पे? ग्राउंड लेवल पे कोई भी नहीं आया है, सिर्फ हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि आपकी समस्या का हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।